नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। भूमाफियाओं से उप जिलाधिकारी ने खुद की जान को बताया खतरा, थाना में दो लोगों के खिलाफ दिया शिकायती पत्र। एक दिन पूर्व उप जिलाधिकारी पर व्यापारी संगठन ने लगाया था करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। एसडीएम ने अपने बयान में भूमाफियाओं से खुद को खतरा बताते हुए कहा, मेरे ऊपर चढ़ाया जा सकता है ट्रक, कराई जा सकती है मेरी हत्या। ये पवन कुमार गुप्ता हैं, इनके द्वारा कभी कर्मचारियों से, कभी अधिकारियों को टारगेट करके फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। उसमें हमारे दानवीर लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि उसके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, और उस पर दबाव बनाकर कार्य करवाने के लिए, और इस तरह के अनर्गल उन पर भी और हमारे ऊपर भी ये आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने फर्जी शिकायतें, फर्जी इस तरह की बातें की हैं। और हमारे ये स्टेनो हैं, इसके अलावा अर्दली, इनको बुलाकर भी धमकी दी गई कि तुमको और तुम्हारे एसडीएम को फर्जी मामले में फंसाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, और अगर नहीं सुनेंगे तो ऊपर तक ले जाएंगे और इनका मर्डर भी करवा सकते हैं, तो उससे जानमाल का खतरा भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फर्जी टाइप से ट्रक वगैरह चढ़ा के मर्डर भी करा सकते हैं। तो इस समय दोनों दो लोग हैं, ये गिरीश अग्रवाल हैं, उनके द्वारा भी हमारे स्टेनो हरिओम है, और हमारे जो अर्दली हैं इनको बुलाकर ये संज्ञान में ये चीज़ें कही गई हैं और अनर्गल इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। तो ये पवन गुप्ता और गिरीश अग्रवाल, तो ये है, इनके पास है पूरा, तो तहरीर में दी गई है, तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया जा रहा है और इन पर कार्रवाई कराने के लिए थाना अध्यक्ष महोदय का अनुरोध किया गया। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं बिना सिर पैर के, ना उसमें कोई साक्ष्य है ना कुछ है, और केवल ये दबाव बनाने के लिए फर्जी शिकायतें की जा रही हैं, और इसके लिए भी इसमें संज्ञानित किया गया है। पूर्व में ये भूमाफिया के रूप में इन पर कार्रवाई की गई थी, FIR दर्ज कराई गई थी, और उसकी जांच पूर्व में ADM साहब और एक टीम गठित की गई थी, उसके द्वारा भी की गई, और उसमें भी ये मामला सही पाया गया था। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य भी जांचें चल रही हैं, जो इनके द्वारा अवैध रूप से ज़मीनें बेची गई हैं या गांव समाज की क्षति पहुंचाई गई है, या जो है वो अन्य जांच चल रही, लेकिन ये दबाव बनाने के लिए इनके द्वारा ये किया जा रहा, इसके लिए आज FIR कराएंगे। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जवाबदेह प्रशासन, इस नारे से प्रेरित होकर प्रदेश के वैश्य और व्यापारी समाज के लोगों ने भारी तादाद में भाजपा के पक्ष में मतदान किया और उनकी सरकार को बनाने में बड़ा योगदान किया। वैश्य और व्यापारी समाज के लोग आज भी ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार संत मुख्यमंत्री हैं, और मेरा मानना है कि जिले के जिलाधिकारी और जिले के पुलिस अधीक्षक, ये दोनों भी ईमानदार हैं। लेकिन चंदौसी तहसील में जो राजपाल सिंह हैं, जो SDM हैं, इनका भ्रष्टाचार का धंधा किनके संरक्षण में पल्लवित कोशिश हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने अभी हाल ही में अनेकों व्यापारियों से अवैध वसूली की, एक व्यापारी से 6 करोड़ रुपए की इन्होंने घूस मांगी, उस व्यापारी से 11 लाख रुपए इन्होंने राजस्व के नाम पर सरकारी खजाने में जमा करा लिया, 11 लाख रुपए का स्टाम्प भी मंगा लिया, 17 लाख रुपए के उनके एक अधीनस्थ अधिकारी ने ठग लिए। जब उस व्यापारी ने 6 करोड़ रुपए देने को मना कर दिया तो उनके खिलाफ झूठा अभियोग पंजीकृत करा दिया और उसके उस व्यापारी के खिलाफ उस फाइल को भी निरस्त कर दिया। वो व्यापारी आत्महत्या करने जा रहा था। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों को जब इस बात का ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, तो उन्होंने उस परिवार के साथ जाकर उनका ढांढस बंधाया और उसे ये भरोसा दिलाया कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन आपकी कानूनी लड़ाई लड़ेगा, आपके साथ है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक संभल से संपर्क किया, पुलिस अधीक्षक संभल ने उसकी जाँच क्राइम ब्रांच को दे दी। क्राइम ब्रांच ये था कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने मुकदमा एक्सपंज होना चाहिए था, और जो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हैं उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। अच्छा पवन जी, जो आपने ये तमाम तरह के आरोप लगाए हैं SDM चंदौसी पे, तो इसके कोई साक्ष्य भी आपके पास उपलब्ध हैं या केवल आपके ये केवल आरोप हैं?
ये चूंकि जो जांच होगी 118 फाइलों की जब जांच होगी तो उसमें सारी चीजें निकल जाएंगी। 118 जो निर्णय नहीं हो सकते वो निर्णय किए गए हैं, जो हो सकते हैं वो खारिज किए गए हैं। यही जांच के विषय हम तो प्रशासन से ये भी मांग कर रहे हैं, कल भी मैं डीएम साहब से मिला था, जांच अधिकारियों से मिला था, कमिश्नर साहब से मुरादाबाद मिला, और हमने ये मांग की है कि ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं वो साक्ष्यों को नष्ट कर रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं, झूठे शपथ पत्र ले रहे हैं। 17 दिन पहले जांच हुई थी, 17 कदम भी जांच आगे नहीं बढ़ी है, और एक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है, ये फंडामेंटल नियम है कि जिस आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच होगी तो उसके या तो उसे निष्कासित किया जाएगा या उसका स्थानांतरण दूसरे स्थान पर किया जाएगा। हमने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की और अधिकारियों ने हमारी बात को गंभीरता से सुना है और हमें निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। तो ये आपने जो जांच चल रही है इसमें अधिकारियों को साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, केवल आरोपों के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और क्या क्या साक्ष्य हैं वो आपको अभी देना ठीक नहीं है, क्योंकि जांच चल रही है, काफी साक्ष्य हमने अधिकारियों को उपलब्ध कराए हैं और बाकी साक्ष्य भी दिए जाने बाकी हैं। ये कौन व्यापारी हैं जिनसे करोड़ों रुपए की घूस मांगी गई? उनका नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि वो अभी खुद डिप्रेशन में चल रहे हैं, उनका नाम लेंगे तो कोई अनहोनी घटना घटित ना कर लें। जब साक्ष्य सामने आएंगे, जब जांच रिपोर्ट का खुलासा हो जाएगा तो नाम आपके सामने आ जाएगा।